ऑल राइट स्टूडेंट्स सो हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले हम पूरा रिविजन करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में पूरा स्टूडेंट होम एरिया क्रिएट कर दिया था और उसके अंदर हमने पेजेस क्रिएट किए थे जिसके ऊपर हमने डिजाइनिंग एंड अलॉन्ग विद हमने कोडिंग भी किया था राइट right? सो so, ये आपको दिखाई दे रहा है दैट इज स्टूडेंट होम एरिया राइट इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये लिंक्स रखी थी दैट इज फॉर लॉग आउट ये जो इमेज है उसके ऊपर हमने कोडिंग लिखा था कि वो होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा स्टूडेंट के होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा लिस्ट ऑफ कोर्सेज लिस्ट ऑफ कोर्सेज के ऊपर हमने ये कोर्सेज डिस्प्ले किए थे और वो बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल के अंदर हमने डिस्प्ले किया था आफ्टर दैट सब्जेक्ट्स का पेज था सब्जेक्ट्स के पेज के ऊपर हमने पहला कंट्रोल यूज किया था दैट इज चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल जो चेकबॉक्स की तरह दिखाई देता है बट इट विल वर्क एज अ लिस्ट सेकेंड वॉज रेडियो बटन लिस्ट राइट चेकबॉक्स लिस्ट आपको मल्टीपल सिलेक्शन देगा और रेडियो बटन लिस्ट आपको सिंगल सिलेक्शन देगा एंड बट दैट लेबल की ऑप्शन नहीं देता राइट right? वो हमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं देता की जिसका यूज करके हम फॉर्मेटिंग कर पाए आफ्टर दैट द लास्ट पेज इन स्टूडेंट होम एरिया इज अपलोड uh, पिक और अपलोड फोटो के ऊपर हमने ऐसी डिजाइनिंग की थी पहले हमने इमेज कंट्रोल रखा था कि जिसके अंदर हमें इमेज डिस्प्ले करनी है यूजर जब अपलोड करता है तब उसके बाद हमने यूज uh, किया था फाइल अपलोड कंट्रोल फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज करके हम फाइल अपलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के फोल्डर के अंदर और उसके uh, बाजू में हमने बटन कंट्रोल रखा था दैट इज अपलोड व्हाट वाज द सिनेरियो ऑन दिस पेज हमें क्या करना था पहला तो हमें ये चेक करना था कि जब भी ये स्टूडेंट का पेज लोड होता है और टेबल के अंदर उसका पिक एग्जिस्ट करता है राइट तो हमें ये इमेज कंट्रोल के अंदर वो पिक डिस्प्ले करना है अगर पिक एग्जिस्ट नहीं करता नल वैल्यू है तो हमें यहाँ पे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि यू हैव नॉट अपलोडेड द फोटो उसके बाद यूजर क्या करेगा फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज करके एक इमेज सिलेक्ट करेगा और इमेज सिलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पे वो क्लिक करेगा उसके बाद हमारी जो इमेज यहां पे सिलेक्ट हुई है वो अपलोड हो जाएगी ये हमारी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो वेबसाइट का फोल्डर है उसके अंदर जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर ये अपलोड हो जाएगा राइट सो so, उसके लिए हमने क्या कोडिंग किया था हमें इमेज दो जगह पे डिस्प्ले करनी है पहली जहाँ पे पेज लोड होता है वहां पे भी चेक करके इमेज डिस्प्ले करनी है एंड द सेकेंड अगर इमेज अपलोड हो जाती है उसके बाद भी हमें इमेज डिस्प्ले करनी है मतलब टू प्लेसेस के ऊपर हमें सेम कोडिंग लिखना था इसलिए हमने क्या किया था एक सब रूटीन बनाया था दैट इज डिस्प्ले इमेज और डिस्प्ले इमेज जो सब रूटीन था उसके ऊपर हमने कोडिंग लिखा था जिसका यूज करके टेबल में से वो फोटो की फील्ड रिट्राइव करेगा और रिट्राइव करने के बाद वो इमेज कंट्रोल की इमेज यू प्रॉपर्टी के अंदर वो असाइन कर देगा मैं ये कोड फिर से रिपीट करूंगी अभी सिर्फ ओवरव्यू ले, ले लेते हैं After that, ये जो डिस्प्ले इमेज सब रूटीन हमने बनाया था वो हमने पेज लोड के ऊपर हमने कॉल किया और उसके बाद और उसके बाद हमने वो अपलोड बटन की क्लिक इवेंट पे भी वो हमने कॉल कर दिया था राइट right?

आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है that is con. उसके अंदर मैंने parameter pass किया. में मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग देनी थी लेकिन हमें पता है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है सो आई है जो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का कलेक्शन है वो मैंने यूज किया वो कलेक्शन में से मुझे कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है सीओ एन सो so, मैंने यहाँ पे वो लिखा और उसके बाद मैंने उसको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया आफ्टर दैट हमने यहाँ पे ये सब रूटीन बनाया है दैट इज डिस्प्ले इमेज उसके अंदर क्या है पहले हमने कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज सी एम डी विद इन दैट हमने एक क्वेरी लिखी दैट इज सिलेक्ट फोटो दिस इज द नेम ऑफ द फील्ड इन टीबीएल यूजर्स टेबल सिलेक्ट फोटो फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेर यूजर नेम इज इक्वल टू एट द रेट यू मतलब जो भी यूजर नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो ये टेबल में से टीबीएल यूज़र्स टेबल में से उसकी फोटो की फील्ड रिट्राइव करके हमें देगा यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में फोटो की फील्ड भी एड कर दी थी हमारे टेबल के अंदर आप यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोर में देख सकते हो राइट इट इज ओवर इलाइट उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैरामीटर है हमारे पास क्वेरी हमारी क्वेरी के अंदर सो so, हमें उसके लिए वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी सो सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड एट द रेट यू वेयर केयर उसकी डेटा टाइप है उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी ऑब्वियसली हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि सेशन के अंदर हमारा यूजर नेम है अब ये सेशन क्या है सेशन सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करके हम जो भी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करना चाहे वो स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल वैल्यू पर और उसके बाद हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस है वो सारे पेजेस के ऊपर हम उसकी वैल्यू रिट्राइव कर पाएंगे राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेशन और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप सारी वेबसाइट्स के अंदर ये सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करोगे इफ यू वॉन्ट टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विद इन द वेबसाइट और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूसरे सारे पेजेस के ऊपर रिट्राइव करनी है राइट right? सो so, उसके बाद हमने क्या किया एक आई नाम का वेरिएबल क्रिएट किया विच इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया अब आपको पता है कि अगर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो पहले आपको कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी और कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा सो आई हैव ओवर हियर दैट इज एंड डॉट ओपन कनेक्शन ओपन किया उसके बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये जो फील्ड है फोटो उसके अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है

का यूज किया इस कीवर्ड का यूज किया बिकॉज वो हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करके देगा राइट इफ यू टू इट नल वैल्यू और और अनदर ऑब्जेक्ट अगर नल वैल्यू हमें कंपेयर करनी है तो so उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा दैट इज सिस्टम डॉट डीबी नल डॉट वैल्यू ये कंपेयर करेगा मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारी फील्ड के अंदर नल वैल्यू है तो मगर Uh, मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे ये चेक करना है कि नल वैल्यू नहीं है दैट्स मैंने यहाँ पे नॉट का यूज किया After that, IMG के अंदर मैंने सीएमडी डॉट एक्टर मेथड फायर की मतलब अगर नल नहीं है सो so ऑब्वियसली वो पाथ होगा जिसके ऊपर से हमें इमेज मिलेगी सो so वो पाथ रिट्राइव होके आई में असाइन हो जाएगा आफ्टर दैट मैंने कनेक्शन क्लोज कर दिया और कनेक्शन क्लोज करने के बाद जो इमेज वन जो यहाँ पे हमने ये जो इमेज कंट्रोल लिया है उसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आईएमजी असाइन कर दिया मतलब वो हमारी इमेज जो हम रिट्राइव करेंगे वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दी राइट अब ये जो डिस्प्ले इमेज नाम का सब रूटीन है वो मैंने यहाँ पे पेज लोड पे कॉल कर दिया है आफ्टर दैट अपलोड बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर पहले मैंने क्या किया

Request object के अंदर मैंने यूज किया physical application path property, जिसका यूज करके मुझे मेरी website का application path मिलेगा 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 मतलब कहाँ तक का पाथ मिलेगा आई विल गेट टिल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम फोल्डर जो मेरी वेबसाइट का नेम है वहां तक का पाथ मुझे यहाँ ये प्रॉपर्टी में से मिलेगा आफ्टर दैट मुझे फाइल आ, इमेज कहाँ पे अपलोड करनी है इमेजेस फोल्डर के अंदर अपलोड करनी है इसलिए मैंने इमेजेस का फोल्डर स्लैश के साथ कॉन्केटिट किया उसके बाद कौन सी फाइल अपलोड करनी है सो so ऑब्वियसली फाइल अपलोड वन कंट्रोल में वो फाइल नेम मुझे मिल जाएगा राइट right? सो so ये पूरा पाथ बनेगा विथ इमेज फाइल नेम एंड एक्सटेंशन और वो सेवेज मेथड का यूज करके वो हमारे ये जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर वो अपलोड कर देगा अगर आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि फाइल अपलोड कंट्रोल में फाइल है कि नहीं है तो आप वो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल इफ फाइल अपलोड डॉट हैज फाइल राइट हैज फाइल उसकी प्रॉपर्टी है जो वो रिटर्न करेगा अगर फाइल अपलोड कंट्रोल में फाइल है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर फाइल अपलोड कंट्रोल में फाइल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा राइट right? सो so, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी मैंने क्या लिखा if file upload one dot has file then right file upload one dot has file then मतलब अगर file upload control के अंदर file है तो ही मुझे file upload करनी है right उसके बाद obviously अगर user ने file select की है that is image select की है तो हमें हमारे database के अंदर table के अंदर वो image का path update करना है that's why again I have created object of SQL command class that is cmd उसके अंदर मैंने query लिखी that is update tbl users सेट फोटो इज इक्वलो दो हमने यहाँ पे उसकी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली एट द रेट यू में दट इज फॉर यूजर नेम वो वैल्यू कहाँ से आएगी वो हमने जैसे यहाँ पे डिस्प्ले इमेज में लिया है लाइकवाइज हमने यहाँ पे भी सेशन में से वैल्यू रिट्राइव की है और सेशन के अंदर वेरिएबल का नेम क्या है यू नेम राइट उसके बाद

फिल का मीनिंग मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर मिल जाएगा उसके साथ मैंने कॉन्केटिनेट किया दैट इज इमेजेस का फोल्डर और उसके साथ मैंने फाइल अपलोड वन में से मेरी जो फाइल थी वो मैंने यहाँ पे ले ली दैट इज फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम ऑल उसके बाद अगेन द सेम स्टेप्स कनेक्शन ओपन किया

पड़ा था राइट right? अब आज हम क्या करते हैं ये student home area कब डिस्प्ले होगा? जब यूजर स्टूडेंट लॉग इन करेगा तब सोसली so, हमें हमारा login का page, uh, design करना पड़ेगा. So, here is my login page, जिसके ऊपर मेरे पास क्या है कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल है जिसके अंदर मैं डिजाइनिंग कर सकती हूँ सो so, मैंने स्मार्ट टैग ओपन किया स्मार्ट टैग में से मैंने सिलेक्ट किया क्रिएट कस्टम कंटेंट सो अब मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर पाऊंगी राइट right? सो so, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉगिन हियर मैंने ऐसा लिखा अब मुझे क्या करना है लॉगिन करने के लिए मुझे यूजर के पास से यूजर नेम चाहिए पासवर्ड चाहिए और यूजर टाइप चाहिए बिकॉज़ अगर यूजर टाइप स्टूडेंट है तो उसका होम एरिया अलग है फैकल्टी होगा तो उसका होम एरिया अलग होगा और एडमिन होगा तो उसके लिए भी होम एरिया अलग होगा मतलब मुझे यहां पे यूजर के पास से थ्री फील्ड्स लेनी है सो so, हम टेबल इंसर्ट करेंगे टेबल इंसर्ट करने से करने के लिए टेबल मेनू में इंसर्ट टेबल इंसर्ट टेबल के अंदर लेट्स टेक इट रोज हम फाइव लेते हैं और कॉलम थ्री लेते हैं अगेन आई रिपीट मैंने रोज फाइव ली और कॉलम थ्री ली और मैं ओके बटन पे क्लिक करती हूँ सो so, यहाँ पे हमारा जो भी टेबल था वो इंसर्ट हो गया अब पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आई एम राइटिंग यूजर नेम मतलब यूजर के पास से मुझे क्या लेना है यूजर नेम देखिए मैंने कॉलम की विर्थ सेट नहीं की थी इसलिए मैंने जैसे ही टाइप करना स्टार्ट कर दिया देखो ये कॉलम बड़ी हो गई राइट सो so, इसका सोल्यूशन मैंने क्या दिया था हमें क्या करना है हमें कॉलम की विर्थ फिक्स करनी है राइट सो so, हम ये कॉलम को सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे प्रॉपर्टी विंडो में हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे विर्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके अंदर आई एम राइटिंग फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड पीएक्स राइट right? मैंने उसकी व्यर्थ ले ली हंड्रेड पी एक्स देखो ये व्यर्थ अब फिक्स हो गई उसके बाद ये जो सेकेंड हमारी जो कॉलम है उसकी भी हम हम अभी फिक्स कर देते हैं उसकी विर्थ हम रखेंगे लेट्स टेक इट एज राइट और उसके बाद जो ये थर्ड कॉलम होगी वो अपने आप ही बाकी की जो साइज uh, बचेगी थाउजेंड में से वो अपने आप ही ले लेगा राइट ऑल राइट सो so, मैंने यहाँ पे यूजर नेम लिखा उसके बाद मैं एक टेक्स बॉक्स कंट्रोल रखती हूँ टेक्स बॉक्स कंट्रोल इट इज ओवर हियर टूल बैक टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में से मुझे टेक्स बॉक्स कंट्रोल मिलेगा मैंने यहाँ पे टेक्स बॉक्स कंट्रोल रखा अब मैं प्रॉपर्टी विंडो में उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल टी एक्स टी यूनिंग राइट एंड एंटर ओके ऑल राइट अब हमें पता है कि ये जो फील्ड है वो कंपल्सरी फील्ड है राइट right? तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा दैट इज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल सो टूल बॉक्स में वैलिडेशन टैब में से हम सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल कंट्रोल है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी सो so, हम प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे प्रॉपर्टी विंडो में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट और उसके अंदर हम टी एक्सटी यू नेम सेट करेंगे बिकॉज हमें वो टेक्स बॉक्स के ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है राइट एर प्रॉपर्टी में वीविले रेड भीट फोकस ऑन एरर प्रॉपर्टी ट्रू सेट करेंगे टेक्स प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे प्लीज एंटर यूजर नेम ओके सो हमने यहाँ पे वेल्यू सेट कर दी है अब हमें दूसरी फील्ड लेनी है पासवर्ड राइट उसके लिए भी हम टेक्स बॉक्स कंट्रोल का यूज करेंगे सो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टैब में से मुझे बॉक्स कंट्रोल मिलेगा मैंने यहाँ पे रखा उसकी आई डी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ तो मुझे ये सेट करना है कि यूजर जब भी पासवर्ड टाइप करेगा मुझे एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी है मुझे स्ट्रिक्ट डिस्प्ले करना है सो so टेक्स मोड प्रॉपर्टी में आई विल सेट इट एज पासवर्ड से पासवर्ड सेट करेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा और right. अब हम यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सेम रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो और वो सारी फील्ड वही होगी जो हमने इसके लिए यूज की थी सॉरी प्रॉपर्टीज वही होगी जो हमने ये फर्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल के लिए यूज की थी लेट्स टेक इट हम रख लेते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल राइट right? उसके बाद उसकी पहली प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट दैट इज टी एक्स टी पी डब्ल्यू डी दूसरी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे एरर मैसेज उसके अंदर हम लिखेंगे प्लीज एंटर पासवर्ड फॉर कलर मैंने सेट किया फॉर एग्जाम्पल रेड राइट सेट फोकस ऑन एरर ट्रू और टेक्स प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी प्लीज एंटर पासवर्ड सो हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी सेट कर दी थर्ड फील्ड कौन सी होगी यूजर टाइप राइट right? अब ये यूजर टाइप के लिए हमने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया था यहाँ पे हम दूसरा कंट्रोल लेंगे दैट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ताकि हम डिफरेंट कंट्रोल्स देख पाए सो so, हम मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल लिया उसकी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ आईडी प्रॉपर्टी दैट इज एल एस टी यू टाइप राइट अब आपको पता है एज इट इज अ लिस्ट बॉक्स आपने वीबी डॉट नेट में भी पढ़ा था कि उसकी आइटम्स कलेक्शन है सो so मैं एडिट आइटम्स का यूज करूंगी और यहाँ पे आइटम्स एड करूंगी पहली यूजर टाइप होगी एडमिन राइट सेकेंड यूजर टाइप होगी फैकल्टी थर्ड यूजर टाइप होगी स्टूडेंट राइट सो मैंने थ्री यूजर टाइप्स यहाँ पे एड कर दी ओके बटन पे क्लिक करूंगी सो आप यहाँ पे देख पाओगे कि लिस्ट बॉक्स में ये जो थ्री आइटम्स हमने एड की वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है All right. अब हमें हमें क्या करना है Obviously, हमें एक बटन रखना पड़ेगा सो so, उसके लिए मैं बटन कंट्रोल का यूज करूंगी उसकी आईडी प्रॉपर्टी में सेट करूंगी बी टी और उसकी टेक्स प्रॉपर्टी में सेट करूंगी लॉग राइट सो मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दी नाउ अब हमें क्या करना है लॉग इन बटन की क्लिक इवेंट पे हमें चेक करना है कि यूजर ने जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम पासवर्ड और जो यूजर टाइप सिलेक्ट की है ऐसा कोई यूजर हमारे डेटाबेस के टीबीएल यूजर्स टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो स्टूडेंट है तो उसे स्टूडेंट होम एरिया के ऊपर नेविगेट करवाना है राइट right? बिकॉज़ हमने स्टूडेंट होम एरिया बना दिया है सो so मुझे ये सारी चीजें करनी है, एंड एज आई वांट टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस सो वो सारे सारे स्टेप सेम होंगे मुझे पहले नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसके साथ हम क्वेरी लिखेंगे ताकि हम चेक कर पाए कि ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है एंड आफ्टर दैट हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर यूजर टाइप स्टूडेंट है तो उसको हमें कहाँ पे नेविगेट करना है स्टूडेंट होम एरिया पे नेविगेट करना है सो so, चलो लॉग इन बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करते हैं राइट लॉग इन बटन की क्लिक इवेंट मैंने यहाँ पे ओपन की अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं पहले हमें क्या करना है इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे दैट इज इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्लाइंट ये तो आपको पता ही है

एसक्यूएल कनेक्शन उसके बाद हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए सो अगेन द सेम प्रोसीजर हमें वो फाइल में से मिलेगी सो so हम क्लास यूज करेंगे दैट इज वेब मैनेजर डॉट कनेक्शन उसके अंदर कलेक्शन है उसके बाजू में हम पेरेंथिस डबल कोटेशन में लिखेंगे दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम हमारा दैट इज सीओ एन डॉट उसको कन्वर्ट करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर

टीबीएल यूजर्स में से चेक कर पाए कि वेदर वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है सो फॉर दैट आई विल राइट डीम एज न्यू कमांड उसके अंदर पहले तो क्वेरी होगी और दूसरा हो, होगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट अब हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स वेर म इज इक्वल टू एट द रेट यू एंड पासवर्ड इज इक्वल टू एट द रेट पी एंड यूजर टाइप इज इक्वल टू एट द रेट टी राइट मैं एक क्वेरी आपको एक्सप्लेन करती हूं मैंने क्या क्वेरी लिखी है सीओ वही मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक मतलब मुझे काउंट रिटर्न करेगा कब रिटर्न करेगा? अगर tbl user table के अंदर जो मैं वैल्यू देती हूँ उसके जैसा है एंड पासवर्ड जो मैंने वैल्यू सप्लाई की है सेम है एंड यूजर टाइप सेम जो भी मैं वैल्यू सप्लाई करती हूँ वो सेम है अगर ये तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो मुझे उसका काउंट रिटर्न करेगा राइट और आपको पता है कि एक यूजर को हम एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सो ऑबवियसली अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे क्या देगा वन रिटर्न करेगा राइट right? ऑलराइट right. अब हम ये जो थ्री पैरामीटर्स है उसके लिए वैल्यूज सप्लाई करते हैं दैट इज सीएमडी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड राइट पहली पैरामीटर है पहला पैरामीटर है एट द रेट यू उसकी डेटा टाइप है वेरकर डॉट वैल्यू ये स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट तो आपको पता ही है अब वैल्यू कहाँ से आएगी ऑब्वियसली ये लॉग इन पेज के ऊपर जो हमने ये पहला टेक्स बॉक्स रखा है दैट इज यू नेम से मुझे वैल्यू मिलेगी सो so मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज टी एक्स टी यू नेम डॉट टेक्स्ट राइट सो मैंने जो फर्स्ट पैरामीटर है यूजर नेम के लिए उसके लिए वैल्यू सप्लाई कर दी सेकेंड पैरामीटर सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड राइट सेकेंड पैरामीटर हमारा पासवर्ड के लिए है दैट इज एट द रेट पी डेटा टाइप है वेर केयर राइट वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू कहां से आएगी ये टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी जिसकी आईडी प्रॉपर्टी है टी पीडब्ल्यूडी पी डब्ल्यू डी सो हम यहाँ पे यूज करते हैं टी एक्स टी पी डब्ल्यू डी डॉट टेक्स्ट सो सेकेंड पैरामीटर के लिए भी हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी नाउ थर्ड

So, हमने यहाँ पे थ्री पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए right. अब हमें क्या करना है Obviously, करेंगे. और वो वेरिएबल को चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है ऑब्वियसली ये काउंट ऑफ एस्ट्रिक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें पहले इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सो so, उसके लिए हम लिखेंगे डीम सीएनटी एज इंटीजियर राइट उसको हम पहले जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं ये सी एन टी वेरिएबल के अंदर में ये जो काउंट ऑफ एस्ट्रिक की वैल्यू होगी वो मैं स्टोर करूंगी आफ्टर दैट कनेक्शन ओपन करेंगे क्वेरी उूट करेंगे नाउ दिस क्वेरी इज अ सिंगलटन क्वेरी और सिंगलटन क्वेरी को अगर हमें एक्जीक्यूट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? Uh, करेंगे लेकिन एक्जीक्यूट स्केलर पर मेथड का यूज़ करेंगे लेकिन स्केलर मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम सी एन टी के अंदर स्टोर करेंगे सो वी विल राइट सी एन टी इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एक्ट एग्जीक्यूट स्केल राइट नाउ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जब भी आप ये सी एम डी डॉट एक्सिक्यूट स्केलर मेथड डायरेक्टली आप सी एन डी के अंदर असाइन करने जाओ तो वो आपको टाइप कन्वर्जन का एक्सेप्शन uh, रेज कर सकता है तो आपको क्या करना है सिंपल आपको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज करना है दैट इज आपको वैल्यू कन्वर्ट करनी है इंटीजर में सो so, आप क्या यूज करोगे सीआईएन टी फंक्शन दैट इज अ कन्वर्जन फंक्शन और उसके अंदर आप पास करोगे दैट इज सी एम डी डॉट एक्जीक्यूट स्केलर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है सो so हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देंगे राइट right? right. अब मेरे पास काउंट किसके अंदर है ये सी एन टी वेरिएबल के अंदर है अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो वन रिटर्न करेगा अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो जीरो रिटर्न करेगा राइट right? सो so अब हम क्या करेंगे अब हम ये काउंट की वैल्यू चेक करेंगे दैट इज इफ सी एन टी इज इक्वल टू वन Then, अगर सी एन टी वन है इट मीन के यूजर एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है की मैंने आपको बोला था की जो हमने यहाँ पे अपलोड फोटो में जो session use किया है, उसकी वैल्यू हम लॉग इन पेज के ऊपर असाइन करेंगे राइट सो नाउ दिस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखना है लॉग इन पेज के ऊपर मैंने कंडीशन चेक की अगर यूजर एग्जिस्ट करता है सो फर्स्ट टास्क दैट आई वॉन्ट टू डू इज सेशन के अंदर मैं वो यूजर नेम स्टोर कर दूंगी दैट इज सेशन विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे Obviously, हमने वेरिएबल का नेम यूज किया है दैट इज ओवर हियर दैट इज यू नेम सो हम यहाँ पे लिखेंगे यू नेम राइट यू नेम वेरिएबल के अंदर मुझे वैल्यू कहाँ से लानी है दैट इज टी एक्स टी डॉट टेक्स मतलब यूजर जो यहाँ पे यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू मुझे यहाँ पे रिट्राइव करूंगी मैं और रिट्राइव करने के बाद मैंने सेशन के अंदर यू नेम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दी मतलब लॉगिन पेज के ऊपर जब भी यूजर लॉगिन होता है तभी ही हम सेशन के अंदर यूजर नेम स्टोर कर देंगे मीन्स अब इसके बाद जितने भी पेजेस ओपन होंगे वो सारे पेजेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट मैं वो यू नेम की वैल्यू रिड्राइव कर पाऊंगी राइट और राइट अब यूजर नेम तो स्टोर कर दिया है अब मुझे क्या करना है अब मुझे ये चेक करना है कि अगर यूजर टाइप स्टूडेंट है तो मुझे स्टूडेंट के होम एरिया के अंदर मुझे उसको नेविगेट करना है और अगर फैकल्टी और एडमिन है तो उस हिसाब से मुझे उसके होम एरिया के अंदर नेविगेट करवाना है लेकिन अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट का होम एरिया क्रिएट किया है, so हम यहां पे इफ कंडीशन चेक काफ एल एस टी यू टाइप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट बिकॉज यूजर टाइप मुझे कहां से मिलेगी ये जो पेज के ऊपर जो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है वहां से मुझे यूजर टाइप मिलेगी राइट right? So, यहां पे मैं चेक करूंगी कि एल एस टी यू टाइप डॉट टेक्स अगर स्टूडेंट है तो मुझे यूजर को कहाँ पे नेविगेट करवाना है मुझे स्टूडेंट होम पेज पे नेविगेट करवाना है सो आई विल और उसके अंदर हम स्टूडेंट होम पेज का नाम लिखेंगे दैट इज स्टूडेंट होम डॉट ए एस पी एक्स मतलब यूजर ये स्टूडेंट होम पेज जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके ऊपर वो नेविगेट हो जाएगा राइट right? अब अगर यूजर टाइप फैकल्टी है तो हम यहाँ पे एल कंडीशन लिख सकते हैं दैट इज इज एल एल यू टाइप डॉट इक्वल टू फैकल्टी देन उसके बाद जो हम यहाँ पे फैकल्टी होम पेज बनाएंगे उसके ऊपर हम नेविगेट कर देंगे राइट right? लेकिन अभी हमने बनाया नहीं है सो so हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अभी हम नहीं लिखेंगे लेकिन कंडीशन रहने देते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे एल सेफ एल एस टी यू टाइप डॉट टेक्स इज इक्वल टू एडमिन राइट देन यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखेंगे नेविगेट कर देंगे राइट right? सो so, इतने स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे अगर सी एन टी वन है तो और सी एन टी वन कब होगा जब हमारा जो यूजर है वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेगा तब अब अगर सी एन टी वन नहीं है तो हमें यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा सो व्हाट विल डू हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं और एल्स के अंदर हम एम एस जी बॉक्स के अंदर हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करते हैं दैट इज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट राइट हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं दैट इज यूजर डज नॉट एग्जिस्ट राइट right? सो so, इतना कोडिंग हम करेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि वेदर हमारे टेबल में यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है राइट right? अब हम यहाँ पे एक और चीज पढ़ेंगे दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो फाइनली ब्लॉक है वो हम अच्छी तरह से कैसे यूज कर पाए राइट right? अभी हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखा है तो हम ऐड करते हैं और जो फाइनली ब्लॉक है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सो so, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पहले बटन की क्लिक इवेंट में फर्स्ट मैं लिखूंगी ट्राई राइट मतलब ये पूरा ट्राई ब्लॉक में आ जाएगा ये एंड इफ के बाद आई विल राइट कैच ई एक्स एज एक्सेप्शन यहाँ तक तो आपको पता ही है एंड आफ्टर दैट आई विल राइट एंड ट्राई राइट right? इतनी चीज तो आपको पता ही है बिकॉज़ हमने दूसरे यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स के अंदर ex. Message, जो हमने सारे पेजेस पे किया है वो हम यूज कर देते हैं राइट right? अब हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिखेंगे राइट right? आपको पता है कि फाइनली ब्लॉक अगर एरर आती है कि नहीं आती है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर एक्साम्पल यहां तक सारी चीजें अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो गई है दैट इज कनेक्शन ओपन करने तक लेकिन जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो एरर आती है एरर आएगी तो कनेक्शन क्लोज नहीं होगा और वो डायरेक्टली कहाँ पे जंप करेगा कैच ब्लॉक के अंदर जंप कर देगा बिकॉज वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे कनेक्शन ओपन रह गया है बिकॉज ये स्टेटमेंट पे एरर आई तो अब हम ये कनेक्शन क्लोज कहाँ पे कर पाएंगे हम ये कनेक्शन क्लोज फाइनली कीवर्ड पे फाइनली uh, ब्लॉक के अंदर हम कर पाएंगे लेकिन कनेक्शन क्लोज करने से पहले हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कनेक्शन ओपन है तो ही हमें क्लोज करना है अगर कनेक्शन क्लोज है और हम फिर से क्लोज करने जाएंगे तो वो हमें एरर देगा राइट right? सो so, उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट की स्टेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जैसे ही आप स्टेट स्टेट प्रॉपर्टी का यूज करके इक्वल टू करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हम यूज करेंगे कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन राइट right? मतलब कनेक्शन ओपन है तो हमें क्या करना है हमें कनेक्शन को क्लोज कर देना है राइट सो दिसग्निग्निटेट प्रॉपर्टी विद इन कनेक्शन ऑब्जेक्ट कि वो आपको रिटर्न करेगा कि कनेक्शन का स्टेट क्या है और आप उसके ऊपर से आप चेक कर पाओगे कि वेदर कनेक्शन ओपन है तो आप उसको क्लोज कर सकते हो राइट सो आई थिंक यहाँ पे हम हमने सारी फंक्शनलिटी कर दी है लॉग इन की नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैंने सेव किया और हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं राइट सो so, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया डी बग ऑल राइट सी हमारा इंडेक्स डॉट ए एस पी एक्स पेज ब्राउजर में लोड हो गया है राइट अब ऑब्वियसली मुझे स्टूडेंट होम एरिया में जाना है तो उसके लिए मुझे लॉग इन करना पड़ेगा सो so मैं लॉग इन लिंक पे क्लिक करूंगी मैंने लॉग इन लिंक पे क्लिक किया सो so वो लॉग इन का पेज लोड करेगा राइट और राइट ये जो हमने डिजाइन की थी वो यहाँ पे लोड हो गई है यूज़र नेम, पासवर्ड और हमारा जो यूजर टाइप है वो राइट right? अब यूजर नेम आई थिंक हमने स्टूडेंट uh, यूजर जो क्रिएट किया था वो शायद एबीसी था राइट right? सो so हम यहाँ पे लिखते हैं एबीसी और उसका पासवर्ड आई थिंक वन टू थ्री था राइट right? चेक कर लेते हैं एबीसी लिखा वन टू थ्री लिखा पासवर्ड में और यूजर टाइप में सिलेक्ट करती हूँ स्टूडेंट राइट और लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं और राइट इट इज गिविंग मी यूजर डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये यूजर नेम पासवर्ड मैंने जो दिया है शायद वो गलत है लेट्स ट्राई अनदर पासवर्ड में ले लेती हूँ एबीसी आई थिंक ये तो राइट right होना चाहिए बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा यूजर क्रिएट किया था सी पासवर्ड right, भी हमारा एबीसी था राइट right? और अगर यूजर नेम और पासवर्ड और यूजर टाइप मैच हो गई तो हमने हमें उसने यूजर होम एरिया के ऊपर नेविगेट करवा दिया अब यूजर होम एरिया के अंदर जो हमने पेजेस क्रिएट किए थे वो है पहले हम लिस्ट ऑफ कोर्सेज ओपन करके देखते हैं सीओ वही और बुलेटेड लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ रहा है राइट बुलेटेड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट्स का पेज ओपन करते हैं सब्जेक्ट्स के पेज के अंदर मैं सब्जेक्ट uh, सिलेक्ट करती हूँ ए एस पी डॉट नेट यूनिक्स ओ एस और इलेक्टिव uh, में से मैं सिलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल सप्ताह और कंफर्म बटन पे क्लिक करती हूँ जैसे ही मैंने कंफर्म बटन पे क्लिक किया अब हमने यहाँ पे लिटरल कंट्रोल लिया था और लिटरल कंट्रोल के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने पहले ये जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स है वो कॉन्केटिनेट किए थे फिर कॉन्केटिनेट किया था बी आर टेग और उसके बाद हमने ये जो इलेक्टिव का सब्जेक्ट था वो कॉन्केटिनेट किया था सी जैसे वहां पे हमने बी आर टेग का यूज किया था इसलिए यहाँ पे हमें दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हमें डिफरेंट लाइन में मिल रहे हैं राइट right? अब हम ये इमेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया उसके अंदर मैंने सेट किया था स्टूडेंट होम पेज सो उसने मुझे यहाँ पे नेविगेट करवा दिया अब हम यूज करते हैं अपलोड पिक राइट अपलोड पिक के अंदर देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट इज इमेज इज नॉट अपलोडेड बिकॉज अभी तक हमने ये पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई भी इमेज अपलोड नहीं की है राइट सो लेट्स डू वन थिंग हम ब्राउज करते हैं ब्राउज बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मुझे एक इमेज दिखाई दे रही है मैं सिलेक्ट करती हूँ और ओपन पे क्लिक करती हूँ आप यहाँ पे देख पाओगे वन डॉट जेपीजी वो इमेज का नेम था वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अब मैं अपलोड बटन पे क्लिक करती हूँ राइट right? जैसे ही मैंने अपलोड बटन पे क्लिक किया मेरी इमेज डेटाबेस में तो सेव हो ही गई मतलब उसका पाथ डेटाबेस में सेव हो गया और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये हमें इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है पहले हमें यहाँ पे मैसेज मिल रहा था दैट इमेज इज नॉट अपलोडेड लेकिन जैसे ही हमने इमेज अपलोड की यहाँ पे इमेज कंट्रोल के अंदर इमेज दिखाई दे रही है राइट right? right? अब हम लॉग आउट करते हैं और हमें पता है कि लॉग आउट के ऊपर हमने सेट किया था इंडेक्स डॉट पेज सो वो इंडेक्स डॉट पेज के ऊपर नेविगेट हो गया बट यहाँ पे हमने एक स्टेप मिस कर दिया है बिकॉज हमने सेशन का यूज किया था राइट right? और अगर हमने सेशन का यूज किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा लॉग आउट के वक्त हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो हमने उस वक्त नहीं किया था राइट right? सो so, हम एक काम करते हैं स्टूडेंट होम के मतलब जो मास्टर पेज है उसके ऊपर हम नेविगेट करते हैं दैट इज स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर हम वहां पे गए और उसके अंदर हमने लॉग आउट की जो लिंक बटन हमने रखा था उसकी क्लिक इवेंट हम ओपन करते हैं सी ओ वही एज यू आर एबल टू सी हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है दैट इज हमें response. Redirect करना है that is on index .aspx page. लेकिन index .aspx page के ऊपर नेविगेट करने से पहले हमें क्या करना है हमें उसको उसका सेशन एबेंडेंड करना पड़ेगा मतलब उसका सेशन हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा राइट right? सो so हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सेशन डॉट एबेंडेंट मतलब सेशन की हमने एबेंडेंट मेथड को कॉल किया और एबेंडेंट मेथड क्या करेगा जो भी यूजर का सेशन क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय कर देगा राइट अगेन आई रिपीट सेशन डॉट एबेंडेंट हमने कॉल किया और सेशन डॉट एबेंडेंट मेथड क्या करेगा देखिए आप यहाँ पे वो नीचे जो बॉक्स ओपन हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हो उसने लिखा है कैंसल द करंट सेशन मतलब वो जो भी करंट सेशन है यूजर का उसको डिस्ट्रॉय कर देगा दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मतलब अब यूजर का सेशन कितना बना अगेन मोस्ट ऑल लॉग आउट के ऊपर यूजर का सेशन डिस्ट्रॉय हुआ अगेन आई रिपीट लॉग इन पेज के ऊपर यूजर का सेशन क्रिएट हुआ और लॉग आउट पेज के ऊपर यूजर का लॉग आउट की लिंक पर यूजर का सेशन डिस्ट्रॉय होगा मतलब यूजर जब लॉगिन करेगा तब से हमने यूजर का सेशन ट्रैक किया और जैसे ही यूजर लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेगा हमने यूजर का सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया राइट सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक जो आपको सारी वेबसाइट्स के अंदर मिलेगा राइट right? एक और हम इंपोर्टेंट चीज देखते हैं यहां पे कि आपको पता है जब भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर लॉग इन करते थे तो आपको आपका नेम ऊपर दिखाई देता था राइट जो आपका नेम था वो हम ऊपर स्ट्रिप के ऊपर आपको दिखाई दे रहा था और सेम चीज मुझे यहाँ पे स्टूडेंट होम एरिया में करनी है मुझे स्टूडेंट को एक वेलकम मैसेज देना है और उसके साथ साथ मुझे उसको जो भी उसका नेम है यूजर नेम है वो डिस्प्ले करके देना है So, मैं क्या करूंगी ये लॉग आउट की जो लिंक है उसको मैं नीचे शिफ्ट करती हूं यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेलकम और उसके बाद मैं एक लेबल कंट्रोल का यूज करती हूँ राइट और लेबल की मैं प्रॉपर्टी सेट करती हूँ लेट्स टेक इट एज आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ एल बी एल यू नेम अगेन आई रिपीट मैंने यहाँ पे लॉग आउट की लिंक को नीचे शिफ्ट किया उसके ऊपर मैंने वेलकम लिखा और उसके साथ साथ मैंने लेबल कंट्रोल का यूज किया और लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की एल बी एल यू नेम और टैक्स प्रॉपर्टी को मैं एम टी कर देती हूं राइट और राइट मैंने टेक्स प्रॉपर्टी को एम टी कर दिया अब मुझे क्या करना है जैसे ही यूजर लॉग इन करता है और ये जब मास्टर पेज लोड होता है उस वक्त मुझे सेशन में से जो यूजर का नेम है वो रिट्राइव करना है और ये जो एल बी एल यू लेबल है वहां पे मुझे डिस्प्ले करना है और ये सारी चीजें मैं कब करूंगी मास्टर पेज के लोड इवेंट पे मैं करूंगी सो so, मास्टर पेज की अगर मुझे लोड इवेंट ओपन करनी है आई विल डबल क्लिक सीओ हियर पेज डॉट पेज अंडर लोड इज पेज की लोड इवेंट ओपन हो गई यहाँ पे आई विम डॉट इज इक्वल की वैल्यू रिट्राइव की और ये जो हमारा लेबल है जो हमने यहाँ पे लिखा है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने असाइन कर दिया राइट सो लेट्स सी ये होता है कि नहीं है सेव करते हैं और पेज रन करते हैं राइट सी आपको दिखाई दे रहा है हमारा इंडेक्स पेज लोड हो गया लॉग इन के लिंक पे मैंने क्लिक किया यूजर नेम हमारा है एबीसी पासवर्ड हमारी हमारा है एबीसी यूजर टाइप स्टूडेंट एंड लॉग इन राइट सी वेलकम मैसेज और वेलकम मैसेज के बाद हमारा यूजर नेम है एबीसी वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि हमने सेशन क्रिएट किया था लॉग इन पेज पे मास्टर पेज पे हमने वो सेशन के अंदर से यूजर नेम रिट्राइव किया कंट्रोल में असाइन किया और उसके बाद ये जो हम अपलोड पिक जो है देखिए यहाँ पे अब इमेज लोड की हुई आ रही है बिकॉज हमने इमेज अपलोड कर दी थी ये हमारा चेक करना बाकी रह गया था देखिये यहाँ पे इमेज लोड की हुई आ रही है बिकॉज हमने जो लास्ट टाइम जब लॉगिन किया था उस वक्त हमने क्या किया था हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट की थी अपलोड की थी और वो डेटाबेस के अंदर सेव की थी राइट right? इस बार वो लिखा हुआ नहीं आया दैट इज इमेज नॉट अपलोडेड बिकॉज उसने टेबल में से वो इमेज रिट्राइव कर दी राइट right? फिर से हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट होम एरिया आ जाएगा और लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो क्या हुआ सेशन डिस्ट्रॉय हुआ और सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद उसने हमें इंडेक्स पेज के ऊपर नेविगेट करवा दिया राइट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने आज लॉग इन की पूरी फंक्शनैलिटी विथ सेशन पढ़ी राइट आपको ये फंक्शनैलिटी सारी वेबसाइट जितनी भी आप वेबसाइट्स डेवलप करोगे राइट right? वो सारी वेबसाइट्स के अंदर ये जो लॉगिन की जो हमने आ, आ, मतलब फंक्शनैलिटी पढ़ी जो स्टेप्स पढ़े वो सेम होंगे ओनली द थिंग इज दैट वो डिपेंड करेगा कि लॉगिन के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड फिल तो होती ही है यूजर टाइप लेना है कि नहीं लेना है अगर यूजर टाइप नहीं लेना है तो आपको क्या करना है सिंपल यहां पे ये थर्ड पैरामीटर नहीं लिखना है क्वेरी के अंदर से ये यूजर टाइप कि जो हमने कंडीशन रखी है वो निकाल देनी है रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी वेबसाइट ये चेंज नहीं होंगे सो so, आप, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करनी है राइट right? सो so, अब तक हमने कितने कंट्रोल्स पढ़े आज हम पूरा रिवाइज करते हैं कि आज तक हमने कितने कंट्रोल्स पढ़े हैं राइट ऑल राइट टूल बॉक्स में से स्टैंडर्ड टैब में हम देखते हैं तो एड रोटेटर कंट्रोल बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल बटन कैलेंडर चेकबॉक्स चेकबॉक्स लिस्ट ड्रॉपडाउन लिस्ट फाइल अपलोड कंट्रोल हाइपर लिंक कंट्रोल इमेज इमेज बटन लेबल लिंक बटन लिस्ट बॉक्स लिटरल राइट रेडियो बटन एंड रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल ये सारे कंट्रोल्स हमने स्टडी कर लिए हैं। नाउ द रिमेनिंग इज हिडन फील्ड और दूसरा आपके सिलेबस में है पैनल एंड मल्टी व्यू कंट्रोल राइट टेक्स्ट बॉक्स भी हमने पढ़ा इतने कंट्रोल्स ये स्टैंडर्ड uh, टैब में से बाकी है उसके बाद हमने डेटा टैब में से ग्रिड व्यू कंट्रोल पढ़ा और वैलिडेशन टैब में से हमने सारे कंट्रोल्स पढ़ ली है एंड दैट नेविगेशन टैब में से वी कंट्रोल इतने सारे कंट्रोल्स हमने पढ़ लिए हैं अलोंग विद दैट मास्टर पेज एंड सेशन वो भी concept हमने पढ़ लिया है राइट right? अब हम जो ये दूसरे सारे थोड़े बहुत कंट्रोल बाकी है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सो so स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो स्टिल फाइव मिनट्स इज देर राइट वरना हम यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं